हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा फ्लेयर के फ्री पाइथन कोर्स में एक बार फिर। और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट पे, दैट इज व्हाट कलेक्शंस। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाओगे, ठीक है, अभी तो हम कोर पाइथन की बात कर रहे हैं, अभी हम बेसिक पाइथन की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं पाइथन को जानता हूँ या जितना मैं लैंग्वेज इसको समझता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी लैंग्वेज में किसी डेटा को यूज़ करते हैं तो वो है कलेक्शन फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये कलेक्शन फॉर्मेट में डेटा होता क्या है, ओके, और कलेक्शंस पाइथन में हैं क्या, तो समझते हैं एक एक करके। सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक में, लेकिन उसके पहले रूल नंबर वन, यस, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ये आपकी जवाबदारी है, डे वन से मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कलेक्शंस इन पाइथन का मतलब क्या है समझिए। आप बताएं, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए या जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पाइथन में पढ़े हैं, आपने देखा हमने मैक्सिमम कितने डेटा पे काम किया है। मतलब जब भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट आई, हमने मैक्सिमम कितना डेटा यूज़ किया, एक दो, दो नंबर का एडिशन, दो में से मैक्सिमम नंबर, चार सब्जेक्ट्स की मार्कशीट जनरेट करना है। मतलब अभी तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन या चार टाइप के डेटा को यूज़ किया है, और वो भी कैसे, इंडिविजुअली, क्योंकि हमने अभी तक पाइथन में जो डेटा टाइप पढ़े हैं वो समझिए, जो अभी हमने पढ़े वो थे हमारे रेगुलर डेटा टाइप जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, ओके, कौन कौन से डेटा टाइप थे जो अभी हम, मतलब जिनको हम कन्वेंशनल डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, रेगुलर कन्वेंशनल डेटा टाइप, जिसमें हमने बात की अभी इंट के बारे में, है ना, इंट डेटा टाइप, फिर हमने बात की फ्लोट के बारे में, फिर हमने बात की थी स्ट्रिंग के बारे में, तो हमने str स्ट्रिंग टाइप डेटा यूज़ किया, कॉम्प्लेक्स, ओके, और बूलियन, ये हमारे रेगुलर डेटा टाइप थे जो अभी तक हमने पाइथन में यूज़ करें, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, नो डाउट दे ऑल आर ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई क्लास है, तो डे वन से हम बात कर रहे हैं कि एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। लेकिन इन सारे डेटा टाइप में कॉमन क्या है, वॉट इज द कॉमन इन दिस ऑल डेटा टाइप, ये जितने भी अभी तक हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, इन सब में कॉमन ये है, दे कैन होल्ड वन वैल्यू एट ए टाइम, ये एक ही टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे एक वैल्यू स्टोर करना है 50, सो आई कैन गो फॉर दैट। यदि मुझे एक वैल्यू स्टोर करना है 20.13, देन आई विल गो फॉर दैट। यदि मुझे एक वैल्यू स्टोर करना है, मान लो कॉम्प्लेक्स टाइप की, 20J, देन आई विल गो फॉर दैट। यदि मुझे वैल्यू स्टोर करना है ट्रू या फॉल्स, देन आई विल गो फॉर दैट। दे ऑल होल्ड स्ट्रिंग ए इक्वल टू सपोज डेटा, देन आई विल गो फॉर दैट। तो ये जितने भी डेटा टाइप हैं, दे ऑल होल्ड सिंगल वैल्यू एट ए टाइम, एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि आई नीड टू स्टोर, मान लो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, और इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको पता ना एक डिपार्टमेंटल स्टोर कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, समटाइम लैक्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यदि मान लो मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, और यदि आपको मैंने बोला कि बॉस इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट को मुझे स्टोर करना है, तो अब आप सोचिए आप ऐसे स्टोर करेंगे क्या, कि आपने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में आपने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा, मान लो व्हाटएवर थम्सअप, ठीक है, फिर आपने एक दूसरा प्रोडक्ट लिया, फिर आपने दूसरे वेरिएबल का नाम लिखा, मान लो लिमका, ठीक है, फिर आपने तीसरा प्रोडक्ट लिया, मान लो आपने वहाँ पर कोई तीसरे प्रोडक्ट का नाम लिखा, मान लो कोई भी XYZ, तो ऐसे आप अलग अलग वेरिएबल लोगे क्या डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोडक्ट, ये चौथा प्रोडक्ट, तो ऐसे अगर आप वेरिएबल लोगे, एक तरीका हमने पढ़ा है वेरिएबल, कि आप अपना डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेकिन जब सिंगल वैल्यू स्टोर करना है तब ये वेरिएबल समझ में आते हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं, व्हाई कलेक्शन रिक्वायर्ड, क्यों कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कलेक्शन व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ कन्वेंशनल डेटा टाइप। जब हमारे पास ऑलरेडी कन्वेंशनल डेटा टाइप है तो फिर हमें कलेक्शन की नीड क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर इस तरीके से आप डेटा को होल्ड करोगे तो कहां जाके प्रोग्रामिंग रुकेगी। और सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज यदि मैंने आपसे बोला एक काम करो, ये कन्वेंशनल डेटा टाइप आपको समझ में आ रहे हैं ना, यदि मैंने आपसे बोला चलो एक काम करो दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाओ, ठीक, तो आप बोलोगे वेरी गुड सर, क्या बढ़िया प्रोग्राम दिया आपने, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली दो वेरिएबल लोगे, एक में इनपुट ले लोगे, या चलो फिक्स कर लेंगे, बी में मैंने 20 ले लिया सपोज, आपने बोल दिया सर सी इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने कहा वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बच्चा समझदार है। अब मैंने बोला एक काम कर बेटा 500 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम बनाओ, अब आप सोचिए अगर आप 500 नंबर्स को इस तरीके से होल्ड करोगे, ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, डी इक्वल टू 90, कितने वेरिएबल, मतलब इमेजिन अ प्रोग्राम विच कंटेंट 500 वेरिएबल्स, केवल इमेजिन करके देखो आप, और फिर उन 500 वेरिएबल्स को प्रोग्राम में मैनेज करना,
मतलब ये तो भी आपने 500 वेरिएबल लिए हैं, अब आप इमेजिन करो एक प्रोग्राम में 500 वेरिएबल हैं और फिर आप उनको, मतलब आधा टाइम तो आपको इनके नाम सोचने में लगेगा कि ए से लेके जेड, ये तो 26 हो गए, अब नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और उन 500 वेरिएबल को एडिशन करने के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम केवल एडिशन की बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी के हाइट पे पहुंच चुका है। और अगर आप ये बना दोगे तो मैं तो यूजर हूं, मैं बोलूंगा ठीक है 1000 नंबर को ऐड करने का सॉफ्टवेयर बनाओ। तो यदि हम इस कन्वेंशनल डेटा टाइप को लेके बात कर रहे हैं कलेक्शन की, तो नो डाउट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएशन ऑप्शन। तो यहां पर पायथन ने हमें ऑप्शन दिया है कि जब भी आपको ग्रुप ऑफ डेटा को कलेक्ट करना है, इफ यू वॉन्ट टू कलेक्ट अ ग्रुप ऑफ डेटा, अगर आपको ग्रुप ऑफ डेटा को होल्ड करना है, सो इन पायथन वी हैव अ डेटा टाइप जो कलेक्शन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब हम डेटा को कलेक्शन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो इसी को हम अरे भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड अरे, अरे इसी को हम अरे भी कहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, अगर आप कलेक्शन की बात करें या आप अरे की बात करें, अरे की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, या यू कैन से दैट अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेट्रोजीनियस, हाँ ये भी हम बोलेंगे पाइथन में हेट्रोजीनियस, मतलब दे कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैं एक ही कलेक्शन में इंटीजर वैल्यू भी ले सकता हूँ, यदि मुझे सारे इंटीजर चाहिए सो आई कैन गो फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू, यदि मुझे मिक्स चाहिए इंटीजर भी चाहिए फ्लोट भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस ऑल टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑल टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये आप कलेक्शन भी बोल सकते हैं और इसी को हम पाइथन में अरे भी बोल सकते हैं, अरे की डेफिनेशन भी होती है कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कलेक्शन और अरे। लेकिन अब क्वेश्चन है सर ये होगा कैसे, मतलब हाउ वी कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, तो पाइथन ने इसके लिए मुझे कुछ कलेक्शन डेटा टाइप दिए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड कलेक्शन डेटा टाइप। तो अब ये कलेक्शन डेटा टाइप कौन कौन से हैं जिनको यूज करके हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ओके सो दीज आर द कलेक्शन डेटा टाइप, लिस्ट है हमारे पास, ठीक, सेट है हमारे पास, डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है, देन वी हैव सेट के बाद फ्रोजन सेट है हमारे पास, ठीक है, लिस्ट सेट डिक्शनरी फ्रोजन सेट रेंज, ओके दिस आर द डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट है हमारे पास टू स्टोर द डेटा, डिक्शनरी हमारे पास, देन वी हैव अ बाइट्स, बाइट्स है हमारे पास, बाइट्स अरे, वी हैव बाइट्स अरे डेटा टाइप, ओके लिस्ट सेट डिक्शनरी फ्रोजन सेट रेंज बाइट्स बाइट्स अरे, ये जो है वन मोर डेटा टाइप कॉल्ड टपल, वी हैव टपल डेटा टाइप। तो जितने भी 14 डेटा टाइप हमने पढ़े हैं पाइथन में, हमने 14 डेटा टाइप की बात की है, तो एक होते हैं हमारे सिंपल कन्वेंशनल डेटा टाइप, राइट, जिसको हमने यूज किया है रेगुलर डेटा टाइप, जिसको आप ये बोल सकते हैं दिस आर द रेगुलर डेटा टाइप, जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इसी को हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक, बेसिक बोल लो रेगुलर डेटा टाइप बोल लो, कौन कौन से, इंट फ्लोट स्ट्रिंग, ठीक है, बूलियन कॉम्प्लेक्स, ये हमारे रेगुलर डेटा टाइप है। इन सब में कॉमन क्या है, दे कैन होल्ड वन वैल्यू एट ए टाइम, इनको यूज करके मैं एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता हूँ, यदि मेरे पास एक वेरिएबल है इंट टाइप का सो आई कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, यदि मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का देन आई कैन स्टोर ओनली फ्लोट वैल्यू। लेकिन इन सब में कॉमन ये है कि ऑल डेटा टाइप्स कैन होल्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इनको यूज करके हम ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं। तो जब भी हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ग्रुप ऑफ डेटा पे काम करना है, जब हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करना है, सो दैट विल गो फॉर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। और मैं आपको बताता हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाओगे तो 20% डेटा होगा जो इंडिविजुअल फॉर्म में आप यूज करोगे, 80% डेटा होगा जो हमेशा ग्रुप पे काम करेगा। आप सोचो ना, अगर आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर की वेबसाइट बना रहे हो या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में देर इज अ ह्यूज डेटा जो आपको कलेक्ट करना है। यदि आप किसी मेडिकल शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मेडिकल इज हैविंग अ ह्यूज मेडिसिन जिसको आपको कलेक्ट करना है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज हैं जिनका डेटा आपको कलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो कलेक्शन है उसको आपको कलेक्ट करना है। सो सबसे ज्यादा डेटा टाइप अगर हम किसी को यूज करते हैं पाइथन में, सो दीज आर दिस वन। अब क्वेश्चन ये है सर कि जब आप बात कलेक्शन की ही कर रहे हैं तो फिर इतने सारे डेटा टाइप क्यों दिए हुए, तो देर आर डिफरेंट इन ऑल ऑफ देम।
लिस्ट का अपना एक अलग नेचर है, सेट का अपना एक अलग नेचर है, डिक्शनरी का अपना एक अलग नेचर है, फ्रोजन सेट का अपना एक अलग नेचर है। बाइट्स की हम बात करेंगे तो ये लिमिटेड रेंज पे काम करेगा। इम्यूटेबिलिटी होगी तो हम म्यूटेबिलिटी के लिए बाइट्स अरे को यूज करेंगे। टपल मतलब सबके, मतलब अब नेचर में डिफरेंस क्या है, देखो आप जब डेटा कलेक्ट होता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। मतलब जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, मैं आपको अभी केवल इन सबके एक एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू रूम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। मतलब मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, जावा में भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कलेक्शन। इन जावा ऑल्सो वी हैव अ कलेक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, पाइथन में हमारे पास कलेक्शन है, सी में हमारे पास अरे होता है डेटा कलेक्शन के लिए, राइट। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चे जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन में यूज होने वाले टॉपिक की कॉन्सेप्ट ही यही है। एंड दैट्स फॉर द रीजन कि हम इस एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब डेटा कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्या आपको उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड करना है। मतलब एक कलेक्शन आप बना रहे हो जिसमें आप चाहते नहीं सर मुझे डुप्लीकेट अलाउड करना है, तो फिर हम ऐसे डेटा टाइप पे जाएंगे कलेक्शन के जिसको डुप्लीकेसी से प्रॉब्लम ना हो। अब वो कौन है अभी हम बात करते हैं। लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। यदि आपने बोला नहीं सर मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं आई डोंट वॉन्ट कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो, मुझे डुप्लीकेसी चाहिए ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं 10,000 बच्चों के मोबाइल नंबर स्टोर कर रहा हूं, या मैं 50,000 लोगों के ईमेल आईडी स्टोर कर रहा हूं, सो हियर आई डोंट वॉन्ट डुप्लीकेसी, मुझे डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। तो अगर मुझे डुप्लीकेसी नहीं चाहिए सो आई गो फॉर द डेटा टाइप वो डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। यदि मैंने आपसे बोला कि सर मैं जिस ऑर्डर में डेटा दे रहा हूं मुझे ऑर्डर वही चाहिए, मतलब ऑर्डर में चेंज नहीं होना चाहिए, सो आई कैन गो फॉर दैट डेटा टाइप। यदि मैंने आपसे बोला कि सर मैं चाहता हूं कि जब मेरा डेटा कलेक्ट हो और जब मुझे वो वैल्यू रिटर्न मिले तो मैं सॉर्टिंग नहीं करूंगा, पर डेटा मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न होना चाहिए, सो आई कैन गो फॉर दैट टाइप ऑफ डेटा टाइप। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा कलेक्शन करना है जो जैसे आपको पता है कोई भी वीडियो इमेज ये सब मेमोरी में बिट फॉर्मेट में स्टोर होती है, मतलब एक इमेज को आप इमेज के फॉर्मेट में देख पा रहे हो, सिस्टम कैन नॉट सी दैट इमेज इन एक्चुअली इमेज फॉर्मेट, उसके लिए तो वो पूरा डेटा का कलेक्शन है। मतलब मैं आपको कभी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जब एक इमेज सेव होती है तो उसका बाइट फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज द बाइट फॉर्मेट ऑफ दैट इमेज, या वीडियोज के बाइट फॉर्मेटिंग क्या होती है जिसको अपन बोलते हैं ना स्ट्रीमिंग। अरे आपने कॉमन वर्ड सुना होगा कि ये वीडियो भी स्ट्रीम हो रहा है, तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमिंग समझते हैं आप क्या होता है स्ट्रीम। अगर आपने किसी ने थोड़ा बहुत C++ पढ़ा हो तो आपको बताऊंगा वहां पर हम लिखते हैं आईओ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, जो हम एक वर्ड बोलते हैं बहुत कॉमन वर्ड है कि अभी हमारा वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है, तो स्ट्रीमिंग चल रही है इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा बाइट फॉर्मेट में, सॉरी सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस हो रहा है, तो डेटा को इसका मतलब है कि जो आपका सिस्टम है वो वीडियो को बाइनरी फॉर्मेट में समझता है, तो वहां पर हम बाइट्स टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये सारे डेटा टाइप में कॉमन ये है कि ये डेटा को कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करेंगे, और डिफरेंस ये है कि अलग अलग कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करेंगे। और ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, डेटा है, मतलब दिस ऑल डेटा टाइप इन पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नो डाउट अभी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक बचा है, बट जैसे हमने बात की थी स्ट्रिंग, याद करो जब मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया था तो वी हैव सीन मल्टीपल मेथड विच इज रिलेटेड विद द स्ट्रिंग, है ना। हमने बहुत सारी ऐसी मेथड देखी थी, अपर लोअर मेथड है, इज अपर इज लोअर, ठीक है, देन वी टॉक अबाउट रिप्लेस मेथड, देन वी टॉक अबाउट फॉर्मेट मेथड। तो ऐसे ही इन सब भी कलेक्शन डेटा टाइप के साथ आपको मेथड्स मिलेंगे, वी हैव अ मेथड्स, ठीक है। यदि हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के पास हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है, यदि हम मतलब इनको जब हम यूज करेंगे सो दे ऑलरेडी हैव देयर इनबिल्ड मेथड, इन सब के पास अपनी अपनी इनबिल्ड मेथड अवेलेबल है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि दो तरीके से हम जावा में डेटा को प्रोसेस में लाते हैं, एक इंडिविजुअल फॉर्मेट में जिसके लिए हम ये बेसिक डेटा टाइप यूज करते हैं जिनका नेचर ही है एक बार में एक ही वैल्यू को होल्ड करना, और एक ये जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो अगर मुझे लगता है कि मुझे 10 नंबर को स्टोर करना है, सो आई गो फॉर दैट एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक दिस 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरीके से मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूं। तो ये क्या है, और इसी में मैं अलग अलग टाइप, मान लो मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, मतलब मैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहा हूं, उसका टाइप चेंज भी हो सकता है 90.19 ये भी हो सकता है, तो दिस इज वॉट कलेक्शन।
अब ये किस फॉर्मेट में है वो भी हम देखेंगे कि लिस्ट का अपना एक फॉर्मेट है, सेट का अपना एक फॉर्मेट है, डिक्शनरी का अपना एक फॉर्मेट है, सबके अपने अपने फॉर्मेट हैं। कहीं पर ये ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है, कहीं पर हम ओपन ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हैं, कहीं पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट है जिनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक। लेकिन इस लेक्चर में केवल आपको ये बात समझ में आई कि वाई वी शुड गो फॉर कलेक्शन, क्यों हम पाइथन में कलेक्शन यूज करेंगे, क्योंकि अब ये समझना, अभी तक हमारी प्रोग्रामिंग जो थी वो सिंगल डेटा को लेके चल रही थी, लेकिन अब इसके आगे जो प्रोग्राम हमारे होंगे वो कलेक्शन ऑफ डेटा को यूज करेंगे। तो जब भी हमें डेटा कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करना है, दीज आर द डेटा टाइप्स अवेलेबल। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली कलेक्शन इन पाइथन, कि पाइथन में कलेक्शन होता क्या है एंड व्हाई वी शुड गो फॉर कलेक्शन डेटा टाइप इन पाइथन। अब हम जो बात करेंगे वो इंडिविजुअली एक एक हर डेटा टाइप पे डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट बाइट्स, विल टॉक अबाउट बाइट्स अरे, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, एक एक करके हम सारे डेटा टाइप को कवर करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन इन पाइथन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन सबके इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करिए। और मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, डेटा फ्लेयर की वेबसाइट जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर आपको पाइथन का फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टडी फॉर्मेट के लिए मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप उसको विजिट करिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर कॉन्सेप्ट कलेक्शन के इंडिविजुअल, ठीक है, लिस्ट देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।